और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान नदियों के आसपास के इलाकों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी चल रही है, 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश विदेश से करीब 8,000 वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। नदियों के आसपास के इलाकों की सुरक्षा पर पुलिस की खास नजर रहेगी। इसी कड़ी में सरयू नदी पर फ्लोटिंग पुलिस बूथ बनाया गया है, जिसे रिवराइन कंट्रोल रूम का नाम दिया गया है। सरयू नदी का पुलिस घाट शुरू हो चुका है और गुप्तार घाट का बनाया जाने वाला दूसरे पुलिस बूथ भी जल्द शुरू होने जा रहा है। जो भी हमारा रिवराइन एरिया है उसको बीट्स में बांट करके हमारे द्वारा मोटर बोट से पेट्रोलिंग एवं जो बाहर का हमारा रोड वाला एरिया है उसमें मोटरसाइकिल बीट्स बना करके पेट्रोलिंग की जाएगी। उन्हीं सब की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए रिवराइन कंट्रोल रूम बनाया गया, जो कि एक हमारा आरती घाट के सामने बनाया गया और एक हमारा आगे गुप्तार घाट पर आएगा। और 190 ऐसे पुलिस मित्र हैं या सरयू प्रहरी कह लीजिए, जो हमारे स्थानीय गोताखोर व नाविक हैं, उन सबको साथ लेकर के हमारे द्वारा सूचना संकलन करके रिवराइन सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, आपदा की हालत में इन पुलिस बूथ में तैनात 190 गोताखोर मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट मोड में रहेंगे। वही कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे वीवीआईपी मेहमानों के आने जाने से लेकर सिटिंग प्लान रेडी हो चुका है। करीब 10% वीवीआईपी मेहमानों के रूट को सुरक्षा के लिहाज से गुप्त रखा गया है। पूरे देश में इन दिनों रामलला के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच अयोध्या पहुंची एक कार इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। अयोध्या की सड़कों से जहां से ये कार गुजरती है, इसे देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसे देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों ये कार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल ये कार राम भक्ति में डूबी हुई है। कार पर हर तरफ भगवान राम की तस्वीरों को उकेरा गया है। गुजरात के सूरत से ये दोनों दोस्त मौलिक और सिद्धार्थ इस कार को लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। ऐसे हमने 5 बार यात्रा की है, ये भारत गौरव विषय राम जन्मभूमि जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इस विषय पर हमने यात्रा की सूरत गुजरात से इधर अयोध्या की। इससे पहले ही ये कई ऐतिहासिक मौकों पर अपनी कार को उसी दिन की याद में रंग चुके हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखने के लिए रामनगरी पहुंचे राम भक्त इस तरह की गाड़ियों को देखकर बेहद उत्साहित हैं। ये कार ऐसी हमने ऐसी कारें बहुत देख रहा हूँ कि जो अयोध्या में घूम रही है, घूम के मैं कानपुर से आया हूँ। मैंने ऐसी कई कारें देखी है कि बाबा शिव, बाबा माता रानी पार्वती, भोलेनाथ और प्रभु रामचंद्र जी के दौर में सारे देवी देवता जो है इस समय जो है पूरी अयोध्या में छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 किलो कुमकुम भेजा जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के नागौर में एक कलाकार ने भगवान राम के भव्य चित्र को उकेरा है। महाराष्ट्र के अमरावती से रुक्मिणी पीठ से रामनगरी अयोध्या के लिए 500 किलोग्राम कुमकुम रवाना किया गया। मंदिर के पीठाधीश्वर राजेश्वर सरकार का कहना है कि ऐसा 500 सालों के रक्त रंजित संघर्ष को याद रखते हुए किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज और विविध अमरावती के संगठनों के द्वारा इस मानस और संकल्प को, मैं संकल्प पात्र लेकर और संकल्प कलश लेकर अयोध्या के और मैं आगंतुक होने जा रहा हूँ। और ही इस अंबाजी के नगरी से श्री हमेशा प्रसिद्ध रहा है। तो राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की चरण पादुकाओं भी रखी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रखी जाएंगी ये चरण पादुकाएं और खासतौर पर चरण पादुकाओं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई है। हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इनको बनाया है। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।